सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं प्रशांत फिर से आ चुका हूँ आपके साथ एक नए वीडियो लेके। तो जैसे कि मैंने आपके साथ एक वीडियो पहले भी शेयर करी थी कि आपको अगर अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना बनाना है तो आपको क्या रनिंग करनी है, तो मैंने उसमें बताया था कि मैं आपके साथ एक सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको तीन चीज़ बताऊँगा, जिसमें कि आपको आपका डाइट प्लान होगा, आपकी फास्ट एक्सरसाइज जिससे आप रनिंग फास्ट करें वो एक्सरसाइज होंगी, और तीसरा आपका शेड्यूल है। तो इसमें सबसे ऊपर आता है जो आपकी होती है एक्सरसाइज। तो इसमें क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, रनिंग कर लेते हैं पर लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, जिससे कि आपकी जो रनिंग है वो फास्ट नहीं हो पाती, आपके पैरों में स्ट्रेंथ नहीं आ पाती। आप बहुत लोग क्या कहते हैं कि मैंने 3-4 महीने से दौड़ लिया पर मेरा टाइम नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए आपको टाइम नहीं आता, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे कि एक साल पहले मैं भी दौड़ा करता था, रनिंग करता था, आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने जो एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा ये चीज़ मैंने अपने ऊपर भी लागू करी थी, जिससे कि मुझे लगा था कि पॉजिटिव इफेक्ट मिला था मुझे अपनी बॉडी पे, मेरी भी रनिंग जो थी अच्छी हुई थी, फास्ट हुई थी। तो वही मैं कुछ जो 5-6 एक्सरसाइज मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा जो कि आपके लेग्स में स्ट्रेंथ देगी, पावर देगी और आपकी रनिंग को फास्ट करेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो आप रिजल्ट 6 महीने में देखते हैं अपना, वही रिजल्ट आप 3 महीने में देखेंगे अगर ये एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो। पर आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी होगी, रेगुलर से ये है आपको जो आपके पावर लेग की पावर है वो अच्छी होगी, जो आपकी रनिंग स्पीड है वो अच्छी होगी, जो आपका स्टार्टअप है वो बहुत अच्छा होगा जो मैं आपके साथ एक्सरसाइज करूँगा। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं कुछ एक्सरसाइज। तो चलो, तो हमारी पहली एक्सरसाइज है 180 डिग्री जंप, जो कि आपकी थाई में बहुत ज़्यादा पावर जो है पावर डालेगी। तो वो कुछ एक्सरसाइज इस तरीके से होगी जिसमें कि आपको इस तरीके से जंप लेके पूरा 180 डिग्री घूमना है, फिर यहाँ से जंप लेके कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से होगी, आपको अपने पंजों से जंप लेनी है और पंजों पे ही डाउन जाना है कुछ इस तरीके से। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। सो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है लंचेस, जो कि हम परफॉर्म करने कुछ इस तरीके से। ये भी आपके पैरों में बहुत अच्छे तरीके से बोलो मैं। सो आपके जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हाई नीक, जो को आपको किस तरीके से फॉर्म करनी है। सो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है काफ राइज, जो कि आपके काफ बोले तो पिंडलियां, जो कि आपको पंजों से कुछ इस तरीके से ऊपर जाना है और डाउन आना है बस। तो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है फास्ट फिट एक्सरसाइज, जो कि कुछ तरीके से परफॉर्म करनी है आपको। सो हमारी सिक्स्थ एक्सरसाइज है बर्फ एम, जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगी, जिसमें आपको हमारी सेवन्थ एक्सरसाइज है एक्स जंप, जो को आपको कुछ तरीके से करनी है। हमारी एट्थ एक्सरसाइज है जंप स्क्वाड, जो कि आपको किस तरीके से करनी है। इसमें क्या आपको पूरा नीचे नहीं जाना, बस जैसे चेयर पोजीशन होती है उस तरीके से करनी है, इस तरीके से आके ये। सो हमारी नाइन्थ एक्सरसाइज है टो जंप, जो कि आपको अपने पंजों पर करने है कुछ तरीके से। सो गाइज, आज हमारे पास है हमारा शेड्यूल, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि मेरा शेड्यूल है भाई, ये है बिगिनर्स के लिए और ये है जो रनिंग करते हैं उनके लिए, बेस्ट शेड्यूल है दोनों। तो मैं दोनों आपको मंडे से स्टार्ट करूंगा और सैटरडे तक बताऊंगा क्या करना है। तो पहले जो बिगिनर्स हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि जब आप 1-2 महीने अपना लॉन्ग रनिंग कर लें, आपका स्टेमिना बिल्कुल अच्छे से बन जाए, तो उसके बाद आपको क्या शेड्यूल है जो आपको रोज करना है, मंडे से सैटरडे तक का पूरा शेड्यूल यहाँ पे है, ये बिगिनर्स के लिए और ये है जो रनिंग करते हैं पहले से उनके लिए। तो शेड्यूल जो बिगिनर के लिए, मंडे 1600 मीटर टाइमिंग के साथ आपको मारनी है मॉर्निंग एक्सरसाइज है, जो कि आपको मॉर्निंग में क्या करना है, 1600 मीटर है जिसमें आपको टाइम ना अपना टाइम देखना है 1600 मीटर क्या आ रहा है, चाहे वो कितना भी आए, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी आए, आपको अपना टाइम नोटिस करना है। और फिर अगले मंडे इसी 1600 मीटर का टाइम को फिर नापना, कितना आपने कम करा ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये हमारा मंडे को जो आपको करना है मॉर्निंग में, वो है 1600 मीटर, और उसके बाद एक्सरसाइज है जो आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आता है इवनिंग का, इवनिंग में आपको 2 किलोमीटर रनिंग करनी है स्लो स्लो फुल, ये हमारा इवनिंग का। उसके बाद हम आते हैं ट्यूजडे पे,
5 किलोमीटर रनिंग करनी है स्लो, आप इसे अगर आप 5 किलोमीटर पूरे न कर पाए आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ढाई ढाई किलोमीटर अभी आप रनिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा है ट्यूसडे का, मंडे का। उसके बाद आते हैं हम इवनिंग में, जो इवनिंग में है वो 2 किलोमीटर फास्ट रनिंग है आपको, जिसमें आपको आप 70 से 80% एनर्जी लगानी है रनिंग करते हुए। उसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं जहाँ पे आपको थोड़ी, जिससे आपको ताकत मिले, एनर्जी मिले, आपके पैरों में स्ट्रेंथ आए, उसके लिए क्या चीज़ है। वेनसडे को है स्प्रिंट, 400 मीटर की स्प्रिंट मारनी है, कोई टाइम नहीं, मतलब ग्राउंड के 4 चक्कर मारने हैं आपको, टाइम नहीं लगाना कि मुझे कि मेरे को मारना है 1 मिनट 5 सेकंड में 10 सेकंड में, कोई टाइम नहीं, 4 चक्कर कंप्लीट करने हैं बस आपको। उसके बाद 200 के जो 400 मीटर का ट्रैक है उसमें 200 200 मीटर के चक्कर मारने हैं आपको। उसके बाद हमारे जो इवनिंग में है वो है रेस्ट, आपको रेस्ट करना है क्योंकि आपने सुबह हार्डवर्क कर लिया है तो आपको रेस्ट भी चाहिए बॉडी को, तो हम वेनेसडे की इवनिंग को रेस्ट लेंगे। उसके बाद आता है हमारा थर्सडे, 4 किलोमीटर रनिंग है जो कि हम करेंगे टाइमिंग के साथ, हमें थोड़ा टाइमिंग लगाना है कि देखना है हमारे 4 किलोमीटर की क्या टाइमिंग आती है, ये टाइमिंग लगा के उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करनी है आपको। उसके बाद जो हमारी इवनिंग आती है, इवनिंग में आपको 2 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है, बिल्कुल स्लो स्लो, उसके जिससे आप जो सुबह आपने फास्ट रनिंग करी है वो रिकवर हो जाए, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए 2 किलोमीटर से और आपके पैर चलते रहें, इसलिए शाम को स्लो रनिंग भी करनी है। उसके बाद वही एक्सरसाइज कूल डाउन जो कि आपके पैरों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद हम आते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे को बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आपको स्टार्ट करनी है, स्लो फास्ट रनिंग कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जैसे आपको 400 मीटर का चक्कर मारना है तो वो कैसे करना है, 400 मीटर एक चक्कर, मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको, पर मारने आपको लगातार 4 से 5 चक्कर है, तो पहले जो चक्कर मारना है आपको कैसे मारना है, 200 मीटर तो आपको स्लो मारना है। उसके बाद जो 250 मीटर आएंगे वो आपको स्टेप खोलने हैं अपने, मतलब आपके हिप पे जो आपके पैर हैं वो हिप पे टच होने चाहिए, 150 मीटर आपको ऐसे दौड़ना है और 50 मीटर फास्ट दौड़ना है, और फिर से यही रूटीन आपको दूसरे चक्कर में फॉलो करना है, 200 में से स्लो, 150 मीटर वही स्टेप और 50 मीटर फास्ट। तो ये आपका जो स्पीड और स्टेमिना है वो इंक्रीज करता है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। ये हमारा फ्राइडे का। उसके बाद जो इवनिंग है फ्राइडे की, उसमें आपको क्या करना है, 2 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है आपको बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स होने के लिए, और उसके बाद ये करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आपको करनी है, मतलब रनिंग करने के बाद आपको करनी है एक्सरसाइज और कूल डाउन स्ट्रेचिंग, ये तो आपको हर रोज करनी है। तो उसके बाद हम आते हैं सैटरडे, सैटरडे को क्या है, सैटरडे को हमारा 5 से 7 किलोमीटर की जो रनिंग है मॉर्निंग में, 5 से 7 किलोमीटर रनिंग है, स्लो रनिंग है, कोई टाइम नहीं कोई कुछ नहीं, बस आपको कंप्लीट करनी है 5 से 7 किलोमीटर रनिंग, तो ये है हमारा। और जो संडे है, संडे को आपको रेस्ट है, जो संडे आपको रेस्ट है, ये संडे है, संडे को आपको रेस्ट देना है, पर इसी में मैं आपको एक दो चीज़ इंक्लूड करता हूँ, एक होती है ABCD एक्सरसाइज जो मैं आपको करके बताऊँ ग्राउंड पे, वो एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी को मतलब स्ट्रेंथ देगी, वो सैटरडे को करते हैं, पर ये अभी आप बिगिनर्स हैं तो आपको नहीं करनी, आप करेंगे तो ऐसे करेंगे 3 4 हफ्ते बाद, जब आप ये शेड्यूल कर लें 3 4 हफ्ते, उसके बाद एक ABCD एक्सरसाइज है, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा अपनी और वो भी डालूंगा। तो ये थी हमारी बिगिनर्स की। और जो ये एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज हमने करी है जो लड़के शुरू से दौड़ रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने आपको 1600 मीटर का शेड्यूल बताया क्योंकि मैं 1600 मीटर की तैयारी करता था, आर्मी की तैयारी करता था, तो मैंने आपको 1600 मीटर का शेड्यूल बता रहा हूँ पूरा, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया भी था लॉन्ग रनिंग के कैसे करनी है आपको, उसके बाद है ये चीज़। उसके बाद आता है हमारा जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, मतलब जो पहले से दौड़ते आ रहे हैं 1.5 साल से, उन्हें कैसे करना है, मंडे को उन्हें वही 1600 मीटर की टाइमिंग नापनी है पूरी अपनी, कि 1600 मीटर का टाइम क्या है मेरा वो टाइम, क्योंकि उन्हें तो भाई आर्मी की भर्ती मारनी, तो टाइमिंग का तो पूरा उनके खेल ही टाइमिंग का है, तो आपको हर मंडे 1600 मीटर की टाइमिंग देखनी है। उसके बाद वही कूल डाउन एक्सरसाइज वगैरह, ये आपका मंडे का रूटीन होगा, और जो इवनिंग का रूटीन है वो आपका 3 किलोमीटर रनिंग, स्लो रनिंग करनी है, स्लो रनिंग के बाद वही एक्सरसाइज वगैरह करनी है आपको बिल्कुल अच्छे से। तो ये हमारा मंडे का है। फिर आता है हमारा ट्यूजडे, ट्यूजडे को आपकी वही स्प्रिंट जो 800 मीटर की 2 स्प्रिंट, 400 मीटर की 4, 200 मीटर की 3 और 100 मीटर की 5 विद टाइमिंग, एक टाइम लगा ले कि 800 मीटर मुझे करना है इतने समय में कंप्लीट, दोनों चक्कर उतने में ही करने हैं आपको कंप्लीट, जो आपका टाइम है, सबका अपना अपना टाइम है, अपने टाइम से दौड़े, तो ऐसी 400 मीटर 200 मीटर 100 मीटर टाइमिंग के साथ करनी है आपको। उसके बाद ये हो जाए तो एक्सरसाइज कूल डाउन, ये चीज़ आपको करनी ही है, वार्म अप भी लेते हैं एक्सरसाइज से पहले, वार्म अप जरूर लें, और जो 3 किलोमीटर रनिंग है ये हमारी इवनिंग में होगी, जब आप इवनिंग में आए तो बॉडी को रिलैक्स देने के लिए, क्योंकि आपने भाई पूरा स्ट्रेंथ और आपका जो पूरा एनर्जी थी वो सुबह लगा दी है,
तो आप उसके बाद करने 3 किलोमीटर रनिंग शाम को, 4 फ्रेश आप हो जिससे आपकी बॉडी अच्छी चले, तो इसलिए ये चीज़ है। फिर आता हमारा वेनसडे, वेनसडे को 5 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको टाइमिंग के साथ, एक ही मुझे टाइम लगाना है 5 किलोमीटर रनिंग का, जो भी आपका टाइम है वो जरूर लगाएं मॉर्निंग में, जिससे आप हर रोज ये चीज़ देखें वेनसडे को कि आज मेरा 5 किलोमीटर का इतना समय है तो अगली बार कितना आ रहा है, ये टाइमिंग का फायदा ये है। उसके बाद आता है हमारा इवनिंग, इवनिंग में आपको क्या करना है, 2 किलोमीटर रनिंग करनी है 50 से 50-70% पावर के साथ आपको दौड़ना है, 100% पावर नहीं लगानी अपनी पूरे शरीर, क्योंकि आपने सुबह 5 किलोमीटर रनिंग में अपनी 100% दे चुका है, तो इसलिए आपको 50-70% एनर्जी यूज करनी है बस। ये हमारा वेनेसडे का है। फिर आते हैं हम थर्सडे को, जो हमारे स्लो फास्ट वाले हैं इनके लिए तो ये तो जानती हैं जो पहले से दौड़ रहे हैं, थर्सडे को स्लो फास्ट क्या होती है, मॉर्निंग में आपको करनी है स्लो फास्ट, वो आपको पता ही है आपको कैसे करनी है, क्योंकि भाई बिगिनर्स को तो बताना पड़ता है पर आपको पता है स्लो फास्ट क्या है, तो आपको स्लो फास्ट करनी है। उसके बाद 3 किलोमीटर रनिंग स्लो, क्योंकि स्लो फास्ट में बहुत ताकत लग जाती है, तो उसके बाद आपको करनी है ये चीज़ 3 किलोमीटर रनिंग इवनिंग में, जिससे आप कूल डाउन और एक्सरसाइज वगैरह करें। इसके बाद ये चीज़ है आपका फ्राइडे को, आपको देना है अपने शरीर को पूरा रगड़ा, मतलब कि पुशअप्स, पुलअप्स, फ्रंट रोल, फ्रॉग जंप, ये सब करनी है आपको, कोई रनिंग नहीं है मॉर्निंग में, कोई रनिंग नहीं है फ्राइडे को, सिर्फ आपको यही चीज़ करनी है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और उसके बाद आपको वही कूल डाउन रेस्ट और जो आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज होती है वो जरूर करें। उसके बाद आते हैं हम शाम को, फ्राइडे की इवनिंग 2 किलोमीटर रनिंग करनी है अपना पूरी पावर लगा के, 80 से 90% पावर के साथ, आपको टाइम देखना है क्या आता है मेरा, वो टाइम देखने के बाद आप अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज कूल डाउन कुछ भी वो तो आपको करना ही है जैसे मैंने बताया। सैटरडे को फिर हम आते हैं 10 से 12 किलोमीटर रनिंग, लॉन्ग रनिंग करनी है 10 से 12 किलोमीटर की, ये हमारा जो सैटरडे का मंडे मॉर्निंग है ये उसका शेड्यूल है। और उसके बाद इवनिंग में आपको करना है वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग बोले तो मतलब आपको पुशअप्स, पुलअप्स, अपने बाइसेप्स, शोल्डर्स की एक्सरसाइज करनी है। तो भाई ये हमारे दोनों शेड्यूल मैंने आपको बताए, ये दोनों शेड्यूल हमारे ये बिगिनर्स के लिए था और ये बिगिनर्स के लिए नहीं था, जो पहले से दौड़ रहे हैं उनके लिए था। फिर हम आते हैं अपने डाइट प्लान पर, हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, तो भाई हमारा डाइट प्लान है ये जो मैंने बनाया है। तो आपको डाइट प्लान शुरुआत कैसे करनी है, मॉर्निंग में जब आप दौड़ने से पहले उठते हैं आपको पानी पीना, फ्रेश होना है अच्छे से, फ्रेश होने के बाद एक केला खाएं और अपना थोड़ा सा पानी पिएं, पानी पिएं या फिर एनर्जी ड्रिंक पी लें हल्की सी। उसके बाद आपने ये करा, आप गए दौड़ दाड़ के, दौड़ने के बाद क्या चीज़ है आपका, दौड़ने के बाद आफ्टर वर्कआउट क्या लेना है आपको, आने के बाद आप लेमन वाटर पी सकते हैं, अंडे 2 से 3 अंडे प्रोटीन के लिए, क्योंकि आपको एनर्जी तो चाहिए ही, चना, ड्राई फ्रूट्स, दलिया, फ्रूट, मिल्क, ये चीज़ आपको करना है मॉर्निंग में दौड़ने के बाद आफ्टर वर्कआउट, ये आपका डाइट होएगी। इन चीज़ में प्रोटीन होता है, तो आपको प्रोटीन की तो बहुत सख्त जरूरत होती है भाई, जो 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं दौड़ने के लिए, आर्मी की तैयारी वालों के लिए प्रोटीन बहुत, डाइट और प्रोटीन दोनों, मतलब डाइट लोगे तो प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, तो ये चीज़ हमारा है। उसके बाद आता है हमारा लंच, लंच में आपको क्या लेना है, लंच में आपको पूरी अच्छे से अपना नॉर्मल जो रोटी वगैरह घर में, सैलेड, छाए, वाटर, छाछ से भाई आप, छाछ में बहुत प्रोटीन होता है, छाछ होती है वो जरूर पीनी चाहिए, ज़्यादा ना खाएं थोड़ा थोड़ा खाएं, 2 से 3 रोटी ले लें, थोड़ी सी सैलेड, टमाटर, खीरे, ये चीज़ सैलेड में लें, क्योंकि आपको उसके बाद दौड़ने भी जाना है 4 बजे करीब, तो हमारा लंच हो गया 1 से 2 बजे के बीच में। अब मैं जैसे कि हमें जाना है 4, कोई जाता है 5 बजे दौड़ने, तो उससे पहले आपको क्या करना है, वही दौड़ने से पहले फ्रेश होएं, अपना पानी पिएं गर्म पानी, फ्रेश होएं, एक केला, 1 या 2 केले, केले में बहुत प्रोटीन होती है और एनर्जी होती है जो कि आपके शरीर में आपको दौड़ने में बहुत हेल्प करता है। ये हमारा सिर्फ यही लेना है आपको दौड़ने से पहले। और आफ्टर वर्कआउट क्या लेना है, बनाना शेक ले सकते हैं अगर आप, बनाना शेक, और बनाना शेक में क्योंकि प्रोटीन होता है, और इसके लिए आप प्रोटीन भी ले सकते हैं अलग से, प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन पाउडर, क्योंकि जो अफोर्ड करता है प्रोटीन पाउडर वो ले सकता है, जो नहीं करता भी बनाना शेक जरूर पिए, दोनों की एक ही बात है, प्रोटीन दोनों में अच्छा है। उसके बाद 4 से 5 अंडे जो आपको लेने हैं आफ्टर वर्कआउट, ये आपका है शाम का। उसके बाद हम डिनर पे, डिनर में तो आपको वही चपाती है, वेजिटेबल है, दाल है, ये सब लेनी है, और सबसे कंपलसरी जो चीज़ है आपका है मिल्क, दूध जरूर पिए, बहुत ज़्यादा ताकत देता है। तो भाई ये था मेरा डाइट प्लान जो मैं फॉलो करता था, और ये था मेरा शेड्यूल रनिंग का जो मैंने आपके साथ शेयर करा, और आपके साथ रह गई एक्सरसाइज, तो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आपको ग्राउंड पे, चलते हैं ग्राउंड पर, मिलते हैं आपको। तो गाइज मैंने आज आपके साथ शेयर करी बेस्ट 7 से 8 एक्सरसाइज,
जो कि आपकी रनिंग फास्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको एक्सरसाइज से रिजल्ट मिला है नहीं मिला है। सो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो सी यू, बाय।